वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और रेणुका ब्लॉग में स्वागत है सभी का। कैसे हो सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो काम हो गया है घर का, किचन कर दिए मैंने पूरी साफ बच्चों का और पापा का जूस बनाने के बाद। ये बर्तन सूखे हैं, मैंने नीचे के लिए ले जाने के लिए निकाल लिए हैं और ये बर्तन कर दिए सारे साफ। किचन हो गई कंप्लीट और झाड़ू भी लगा दी है। अभी पोछा रह रहा है, अब पोछा लगाऊंगी। और ये बना दिया है नींबू पानी, इसमें मैंने नमक डाल लिया है। ऊपर हो गया था नमक ख़त्म, तो ऊपर लेके जाऊंगी पापा के जूस वगैरह में डालने के लिए। और एक बार तो कर दिए किचन साफ। ज्योति यहाँ पे काट रही है, मैं कर रही हूँ किचन में सब्जी बनाने की तैयारी और मैंने कर दी है पूजा भी। तो चलते हैं बनाते हैं सब्जी। आज बनाने वाली हूँ मैं टिंडे की सब्जी। सूख जाएंगे तब तक। नीचे आज मम्मी जी ने सुबह धोए थे गेहूँ, मैं और ज्योति रोटी बना रहे थे जब, तो मम्मी ने वो सारे इकट्ठे ही रख दिए थे एक ही खाट पे, चारपाई पे। तो अब उनको दूसरे चारपाई निकाल के उन पे सुखाएंगे, आधा आधा कर देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। तो पहले गेहूँ सुखा देती हूँ, धूप आगे बढ़ रहा तो वहाँ पर गेहूँ सुखाएंगे पहले, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे नहीं है इतने डेली धो धो के सारे गेहूँ को धो कर रख लेंगे, फिर वह आने के बाद तो खिंडाने का डर हो जाता है। क्या है मटर शाम ने चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि बड़े दिन होते हैं तो भूख लग जाती है, इसलिए लेके आए मटर। और यहाँ पे लेके आए हैं छोले, सब्जी सब्जी टिंडे की बनाई थी लेकिन टिंडे की इन्हें पसंद नहीं थी, इसलिए लेके आए छोले। इनके साथ खाएंगे रोटी बच्चे और बड़े। ये किसका निकाल लिया? अरे मम्मी ने सिलवाने के लिए दिया था, ये मुझे टेप सिलने वाली। आज बोल रही थी कि मेरा एक किसी सूट सिल देना, और देखो कितने और सिलवाएगी अभी तो। तो ये देख रही थी मैं कितना की कपड़ा है इसमें सिलने का, अपना कलर तो अच्छा है पर कॉटन कपड़ा भी अच्छा है, कॉटन का है, बिना अस्तर पर सिल जाएगा। और फिर नॉर्मल सा है, मतलब इसमें बस ये एक फूल है यहाँ पे और यो है, और पूरा प्लेन सूट है, नीचे थोड़ी सी ग्लास लग रही, पर कपड़ा और कलर अच्छा है इसका, बॉटम ज़्यादा अच्छी है, ये देख सॉफ्ट है बिल्कुल। हाँ कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट है। और इस पे ना ये देख, ये पोचे पे कढ़ाई है दोनों साइड, तो ये पोचे पाओगी। और कपड़ा भी बिल्कुल सॉफ्ट है, मतलब ऐसा कलर है ना लाइट लाइट सा, गर्मी में अच्छा लगेगा। तो इसलिए मम्मी बोल रही थी कि मेरे एक सूट और सील के घर जाओ उससे पहले, तो बस वो देख रही थी कि मैं कहा देखो कपड़ा कितना के है, और दुपट्टा भी इसका बहुत अच्छा है। दुपट्टा है जो मेरे कॉटन का है, कॉटन का है, मम्मी बोली फिर मेरे से फिट जाएगा ये अच्छे से, तो इसलिए ये देख पूरी साइड ये वाला है और बीच में ये सलवार के बॉटम, दोनों को मतलब दोनों का मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा था। मैं कहा चल ठीक है सिल दूंगा, अभी तो मेरे दो रखे हैं, पहले वो सिल ले उसके बाद सिल लूँगी। तो बस मैं ऐसे देखने लग रही थी, मैंने कहा चलो मम्मी को सूट देखो ट्राई करके सिलेगा अपना सिलेगा। अब कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी, आटा भी लगाया नहीं है। और यहाँ अब मैं बनाने वाली हूँ पेठे की सब्जी, और इधर ये दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। अब थोड़ा इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।